शिमला के भराड़ी में रहने वाले भाजपा के मनोनीत पार्षद पर अवैध कब्जे का आरोप है, जिसके चलते उन्हें अयोग्य घोषित किया जा चुका है। बावजूद इसके राजनीतिक पहुंच के चलते अभी तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। कांग्रेस व मनोनीत पार्षद के वकील चाचा राकेश सूद ने कागजातों के साथ ये आरोप लगाए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि सरकार ने यदि 10 दिन के भीतर इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहरी शिमला जितेंद्र चौधरी व आरोपी पार्षद के चाचा राकेश सूद ने पत्रकार वार्ता में मनोनीत पार्षद के खिलाफ अवैध कब्जा करने के मामले में सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग उठाई है। हमारी सरकार से निवेदन है, माननीय सीएम साहब से निवेदन है कि वो इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि 28/2/2020 को श्री राकेश जी ने सीएम साहब को एक लेटर लिखा था और कंप्लेंट की थी। उसके तहत 11/3/2020 को सेक्रेटरी यूडी ने एक नोटिफिकेशन की थी, जिसमें ये जो पार्षद है, नॉमिनेट पार्षद, इनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई थी, डायरेक्टर यूडी को इंक्वायरी ऑफिसर बना के इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया था। डायरेक्टर यूडी ने 3/9/2020 को इसके रिगार्डिंग जो इंक्वायरी थी, इंक्वायरी के रिगार्डिंग जो है 3/9 को एक ऑर्डर निकाल दिया और वो कॉपी जो है वो भेज दी गई सेक्रेटरी यूडी को, और उसमें जो इन पे आरोप लगाए गए थे वो सही पाए गए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की धारा 8/3/8/2 के तहत इनको डिसक्वालीफाई करने के लिए वो जो है ऑर्डर की कॉपी सेक्रेटरी यूडी को भेज दी गई कि इस पे जो है जो भी कार्रवाई बनती है आगामी कार्रवाई वो की जाए। पर ये बड़ी दुखद बात है, पिछले 4-5 महीने से इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हमारे माननीय सीएम साहब से सरकार से निवेदन रहेगा कि इसमें कार्रवाई करें, अदरवाइज जो है हमें माननीय उच्च न्यायालय का जो है दरवाजा खटकाना पड़ेगा। देखते रहिए हिमाचल का नंबर 1 डिजिटल टीवी चैनल द सर्च रिपोर्ट न्यूज सर्विस TSR डिजिटल टीवी, opinion to impact.